नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लगातार आज तक आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें, सीबीआई की एक बहुत बड़ी टीम, 28 से 30 अधिकारियों की एक बहुत बड़ी टीम जो इस वक्त सुशांत के घर के भीतर मौजूद है और लगातार जांच पड़ताल को आगे बढ़ा रही है। बड़ी जानकारी निकलकर ये सामने आई है कि अब ये टीम रिक्रिएट करेगी क्राइम सीन को। सुशांत के घर में 2 दर्जन फॉरेंसिक एक्सपर्ट इस वक्त मौजूद हैं। अब लगातार तफ्तीश जारी है। 6 से 8 सीबीआई अधिकारी क्राइम सीन को रिक्रिएट कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि सिद्धार्थ और नीरज भी सीबीआई टीम के साथ मौजूद हैं और लगातार उसे एक एक करके कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इसके पहले कम से कम सिद्धार्थ पिठानी, जो कि सुशांत का दोस्त, उनके साथ ही रहता था, उसने जो बयान दिए हैं वो अलग अलग बयान सामने आए हैं। अब सवाल यह है कि आज सिद्धार्थ पिठानी की ओर से सीबीआई की ये जो भारी भरकम टीम है उसको क्या जानकारी दी जाती है। नीरज, जिसने आखिरी बार जिंदा देखा था सुशांत सिंह राजपूत को, जिसने ठंडा पानी दिया, जूस दिया, उस नीरज जो कुक है उससे भी पूछताछ लगातार की जा रही है और क्राइम सीन का रिक्रिएशन करेगी सीबीआई की टीम। इस वक्त ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और ये देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि अपने पूरे भारी भरकम साजो सामान के साथ पहुंची हुई है सीबीआई की ये टीम। कुछ देर पहले की ये तस्वीरें, सुशांत सिंह के घर पर सीबीआई की टीम अंदर मौजूद है, साथ में सुशांत के स्टाफ नीरज सिंह और दोस्त सिद्धार्थ पिठानी भी हैं। यह अंदर के घर के अंदर की तस्वीरें, जो एंट्री गेट है, आप देखिए किस तरह से गाड़ियों का एक लंबा काफिला है जो इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। आपको बताते चले कि सुशांत के उस घर के बिल्कुल पास से हमारे संवाददाता मुस्तफा शेख की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के घर की, जहां पर सीबीआई की टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है। यहां पर आप देखेंगे सीबीआई ऑफिसर खड़े हुए हैं और जो टीम है पूरा क्राइम रिक्रिएट सीन करने की कोशिश कर रही है और सीबीआई की जांच जो है काफी तेजी से इस मामले में बढ़ रही है और जो बेडरूम है वहां पर भी जाकर के जायजा लिया जा रहा है कि किस क्या हुआ था उस दिन जब सुशांत सिंह राजपूत का शव पाया गया था। दूसरी तस्वीर में आप यहां पर देखेंगे कि पुलिस यहां पर मौजूद है, इस रूम में मौजूद है और यहां पर पूरी इन्वेस्टिगेशन, ये देखिए ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन इस वक्त चालू है। सीबीआई की टीम यहां पर मौजूद है, कोरैबोरेट किया जा रहा है स्टेटमेंट सपोर्टिंग स्टाफ का और साथ ही साथ सिद्धार्थ पिठानी का उस दिन क्या हुआ था यह जानने के लिए और साथ ही साथ पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। एक एक डिटेल माइन्यूटली सीबीआई इस वक्त इन्वेस्टिगेट कर रही है इस पाली हिल के घर में जहां पर सुशांत सिंह राजपूत का शव मिला था। कैमरापर्सन मंगेश आमरे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की कोशिश सीबीआई की ये टीम फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ कर रही है। सुशांत के कमरे से भागने की संभावना की भी जांच की जा रही है कि क्या हत्या करने के बाद इस तरह की संभावना है कि सुशांत के कमरे से कोई भाग सकता है हत्या के बाद। टॉप टेरिस पर खड़े होकर बकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है। सीधे रुख करेंगे ग्राउंड जीरो का। शम्स ताहिर खान इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शम्स, कहा जा रहा है कि टेरिस पर, छत पर जाकर बकायदा आसपास की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है और साथ ही इस संभावना को भी अपनी तफ्तीश में आगे बढ़ा रही है सीबीआई की टीम जो इस वक्त उस कमरे में मौजूद है जहां पर सुशांत का शव बरामद हुआ था, कि क्या कोई हत्या करके वहां से बाहर भाग सकता है। ये तमाम वो सवाल हैं जिनकी जानकारी लेने की, जिनका आंसर ढूंढने की कोशिश इस वक्त टीम की ओर से की जा रही है। और क्या बड़ी जानकारी शम्स? देखिए चित्रा, सिर्फ छत ही नहीं बल्कि पूरे घर का और जो भी इनका एक्ट है, जो भी आज काम कर रहे हैं, जो भी तफ्तीश कर रहे हैं, यहाँ तक के डमी ट्रायल जो होगा, जो रिक्रिएट होगा, वो सब कुछ ऑन कैमरा होगा, कैमरे पे सब कुछ रिकॉर्ड किया जा रहा है सीबीआई। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि सीबीआई इस मामले को सिर्फ सुसाइड या खुदकुशी के एंगल से जांच करने के लिए नहीं आई है। सीबीआई के जो ऑफिशियल हैं जो यहाँ पहुंचे हैं, उनसे मेरी जब भी बात हुई उनका एक ही लाइन है कि वो किसी भी एंगल को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो कोई भी हो, और इसीलिए वो हर चीज को खंगाल रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक चीज सोच कर नहीं आए कि सुसाइड हुआ तो कैसे हुआ। उनका ये भी है कि अगर फाउल प्ले है और ये मर्डर है तो उसमें कैसे पॉसिबल है, क्योंकि घर के अंदर 4 लोग हैं। जिस गेट पे मैं खड़ा हूँ, इस गेट पे, और यहाँ पे सख्ती हमेशा रहती है, यहाँ तक कि जो घर के लोग हैं, मैंने यहाँ पे देखा 2 दिन से खड़े होकर, उनकी गाड़ियां भी आसानी से नहीं जाती हैं, बल्कि गार्ड कई बार चेक करता है। कैमरे भी लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, ये आप देख ही रही हैं साथ में पीछे में। तो यहाँ पे इस तरीके से एंट्री इतनी आसान नहीं है। अगर कोई पार्टी होती है, बाकी कोई लोग आते हैं, हर चीज यहाँ पे कैद है। मुंबई पुलिस के पास 13 और 14 जून के सारे सीसीटीवी फुटेज भी हैं। तो इसीलिए सीबीआई न सिर्फ यहाँ पे ये डमी ट्रायल करने के लिए आई है, बल्कि ये भी देख रही है कि इस घर की एंट्री क्या है, एग्जिट पॉइंट क्या क्या है, इस घर से और आस पड़ोस के कितने घरों तक की साफ दूरी है और जो दिखाई दे जाती है कहीं कैमरे हैं कि नहीं है। तो वो तमाम चीजों को सामने रखकर, और फिर जो दो सबसे अहम चश्मदीद हैं, क्योंकि उनके बयान के आधार पर सुशांत की लाश उन्होंने फंदे से लटकी हुई देखी थी, और वही जो 4 ऐसे बल्कि लोग हैं जो विटनेस हैं, तो इनका बयान काफी, और इन्हीं के बयान के आधार पर ये लोग लगातार देखेंगे। और जिस तरीके से ये गाड़ी जो है यहाँ
इसी फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की है, बल्कि इसमें एक डॉक्टर बैठे हुए हैं, तो उसी हिसाब से ये लोग सारी चीजें करेंगे और ट्रायल करेंगे। लेकिन एक चीज मैं चित्रा गारंटी से कह सकता हूं, हमें नहीं मालूम कि देश को पता चले कि नहीं चलेगा, लेकिन आज रात तक इस 601 नंबर घर, सुशांत की मौत, 14 जून को क्या कुछ हुआ, ये राज कम से कम सीबीआई और फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो 28 से 30 लोगों की टीम अंदर है, वो किसी न किसी नतीजे पर जरूर पहुंच जाएंगे। सिर्फ उस फाइनल नतीजों को कोलैबोरेट करने के लिए जो जरूरत पड़ेगी वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की स्टडी और विस्तृत रिपोर्ट की स्टडी, जो काम डॉक्टर सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर सुधीर गुप्ता की जो रिपोर्ट होगी फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे, वो सबसे इम्पोर्टेंट होगा जी, क्योंकि इस रिपोर्ट को लेकर जो मुंबई में तैयार हुई थी पीएम रिपोर्ट, उसको लेकर बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। इसी वजह से सीबीआई कोई भी ऐसा कोना छोड़ना नहीं चाहती है जहां पर तफ्तीश में कहीं भी कमी रह जाए। इस वजह से एक बहुत बड़ी टीम, जैसा कि शम्स हमें जानकारी दे रहे हैं, और ये देखिए सिद्धार्थ और नीरज को छत पर लेकर गई सीबीआई की टीम, वहां पर बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है, इन लोगों से पूछताछ की गई है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की कोशिश में लगातार सीबीआई की टीम लगी हुई है। और इस वक्त हमारे साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट निशा मेनन जुड़ चुकी है टीवी स्क्रीन पर, जिनको आप देख रहे हैं। निशा, पहला सवाल यही, क्योंकि फॉरेंसिक एक्सपर्ट की एक बहुत बड़ी टीम इस वक्त सुशांत के घर के भीतर मौजूद है, सबसे पहली आप लोगों की जिम्मेदारी क्या होती है? जैसे ही किसी घर के भीतर आप जाते हैं पहली बार, अब किन किन बातों पर ध्यान में रखते हुए अपनी जांच को आगे बढ़ाई जाती है, क्या कर रही होगी फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम इस वक्त वहां पर? देखिए, फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम जब फॉर्मुलेट होती है उसमें एक ही स्पेशलिटी के नहीं होते हैं, अलग अलग स्पेशलिटी के लोग होते हैं। फिजिक्स डिवीजन के होते हैं जो प्रॉपर मेजरमेंट्स और होते हैं, या फिर उसमें ऐसे भी लोग होते हैं जो पूरे स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं, एविडेंसेस को प्लेस करते हैं डमी ट्रायल्स के लिए, उसमें साथ में मेडिकल एक्सपर्ट्स भी साथ में रहते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग स्पेशलाइज लोगों की टीम, एक कंप्लीट टीम फॉर्मुलेट होती है, और जैसे ही क्राइम सीन पे या सीन ऑफ इंसिडेंट्स पे एंटर होते हैं, सबसे पहले उसको बैरिकेड करके एक तरीके से अननेसेसरी अनवांटेड जो ऑफिशियल्स हैं उनको एक बार साइड में करके सिर्फ एक्सपर्ट्स विद प्रॉपरली प्रिपेयर्ड, ताकि इवन अगर ट्रेस एलिमेंट ऑफ वहां पे एविडेंस बचे हुए भी हो तो वो कंटेमिनेट नहीं हो, वो टैम्पर नहीं हो, इन सब चीजों को ध्यान रख के विद द रिक्वायर्ड टूल्स, और जो फॉरेंसिक टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से वो एंटर करते हैं, और एक एरिया को इवन क्राइम सीन जब रिक्रिएट करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो बहुत ही स्पेसिफिकली एरिया टू एरिया मूव किया जाता है, और उसके बाद में एक एक रूम को वहां पे क्या चीजें रखी गई थी उन पिक्चर्स के साथ में मैच किया जाता है जो 14 तारीख को लिया गया है, क्या चीज कहाँ रखी हुई थी, कौन सा डोर ओपन था, कौन सा डोर क्लोज था, कौन कहाँ रहता है, या कौन कौन से डोर के अंदर था, कितना ओपन था, इन सब चीजों को कोरिलेट करके फोटो को एनालाइज करने वाली टीम को भी इस वक्त वहां पर साथ में ले जाया गया होगा, और साथ ही नॉट एक्सपर्ट भी वहां पर मौजूद है जो जानकारी हमको मिली है। और इस वक्त देखिए हमारे साथ कई और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। निशा, मैं तुरंत आपके पास आऊंगी। इस वक्त हमारे साथ एपी सिंह जी, जो की फॉर्मर डायरेक्टर है सीबीआई के, वो जुड़ चुके हैं। सब बहुत स्वागत है आज तक पर आपका। विक्रम सिंह जी हमारे साथ, फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश के जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है सर। सुरेंद्र चौहान सीनियर वकील जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। एडवोकेट धनराज बंजारी जो कि फॉर्मर एसीपी हैं, वो भी हमारे साथ मुंबई से इस वक्त जुड़ रहे हैं। डॉक्टर वी सी मिश्रा फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में। लेकिन सबसे पहले एपी सिंह जी, अब आपका रुख करते हुए, सीबीआई की एक बहुत बड़ी टीम इस वक्त सुशांत सिंह राजपूत के घर के भीतर मौजूद है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट की एक लंबी चौड़ी टीम के साथ वो वहां पर पहुंची हुई है, सीबीआई के जो अधिकारी मौजूद हैं, सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त उनके सामने क्या होगा, वो कौन कौन से सवाल होंगे सर जिनका जवाब तलाशने की कोशिश इस वक्त सीबीआई की टीम सुशांत के घर के भीतर कर रही होगी? देखिए, एक तो मेरे को जल्दी जाना है, तो जो क्वेश्चंस पूछने में से तो आप जरूर पूछ लीजिएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, तो ऐसा है कि इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी जो सीबीआई टीम के लिए रहेगा इसकी, ये प्रूव करना है कि ये होमसाइड था या सुसाइड था। तो ये पोस्टमार्टम टीम, ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, इंक्वेस्ट रिपोर्ट है, इसको एग्जामिन करके एक्सपर्ट्स एग्जामिन करेंगे एंड फिर वो एक नतीजे पर आएंगे। अभी तक जो मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात ये चैनलों में सुनी है उसमें लिखा है डेथ बाय हैंगिंग ड्यू टू एस्फिक्सिया। तो आप हमको पता करना है कि ये हैंगिंग जो थी ये एंटीमार्टम थी या पोस्टमार्टम थी। तो इसके लिए जो आप बोल रहे हैं सीबीआई टीम जो गई है वहां, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स गए हैं, वो फोटोग्राफ देखेंगे, पोजीशन देखेंगे, और जो आई विटनेसेस थे, जो लोग थे बिल्डिंग में उस समय इनके फ्लैट में, उनकी बहुत गहराई से एग्जामिनेशन होगी कि सर्कमस्टांसेस क्या थे, क्यों ये खुदकुशी करी है या इसको किसी ने ड्रग करके टांग दिया है। तो ये देखना बहुत जरूरी है,
और वो लोग ये सभी पॉइंट्स को एग्जामिन करेंगे, वीडियोग्राफी करेंगे। जैसे आपके एक एक्सपर्ट ने बताया कि जो फोरेंसिक टीम है वो फिंगरप्रिंट्स देखेगी और जो भी एविडेंसेस मिल सकते हैं, काफी तो बॉम्बे पुलिस ने भी कलेक्ट करे थे, उसको भी एग्जामिन करेंगे, फोटोग्राफ्स एग्जामिन करेंगे और देखेंगे कि ये 7-8 घंटे के लिए ये जो कमरा बंद था, क्यों नहीं किसी ने खोला, क्यों नहीं किसी ने चेक करा, ये ड्रग थे नहीं थे, ये 7-8 घंटे के लिए कमरे में क्या कर रहे थे, इनकी कंप्यूटर चेक करेंगे, इनके टेलीफोन रिकॉर्ड चेक करेंगे एंड एक नतीजे पर पहुंचना जरूरी है। उसके लिए टाइम लगेगा कि ये सुसाइड था या होमसाइड था, ये पहली बात तो इसको क्लियर करना है। जब तो एक बार ये क्लियर हो गया जी, तो क्या आपको लग रहा है कि आज शाम तक या देर रात तक ये क्लियर हो जाएगा कि ये हत्या या फिर आत्महत्या का मामला है, खुदकुशी का मामला है? ये क्लियर इतनी जल्दी मतलब वो ये जरूर क्लियर कर सकते हैं कि मतलब अंदाज लगा सकते हैं कि ये सुसाइड या होमसाइड था, बट ये फाइनल रिपोर्ट आएगी जब पीएम एक्सपर्ट्स पीएम रिपोर्ट को एग्जामिन करेंगे और वो अपना वर्डिक्ट देंगे। वो इंक्वेस्ट रिपोर्ट और पीएम रिपोर्ट को एग्जामिन करके वो अपना डिसीजन देंगे कि हाँ ये सुसाइड था बाय हैंगिंग एस्फिक्सिया से, और ये एंटीमार्टम हैंगिंग थी, मतलब कि ये जिंदा थे जब इन्होंने अपने आप को टांगा है। तो ये चीज ओनली द एक्सपर्ट्स विल डिसाइड, नॉट द सीबीआई ऑफिसर, एक्सपर्ट्स विल टेक दिस डिसीजन एंड देन द सीबीआई ऑफिसर्स विल We'll give their opinion on that. सर एक और महत्वपूर्ण सवाल है, चूंकि ये मामला 14 जून का है, इतना वक्त गुजर चुका है उस घर में, उसके बाद न जाने कितने लोग गए, अगर हम परिवार के लोगों को थोड़ा हटा दें, फिर मुंबई पुलिस की बहुत बड़ी टीम गई थी, उसके बाद हम सब ने देखा कि किस तरह से बिहार पुलिस की भी वहां पर टीम पहुंचती है, फिर बहुत सारे पत्रकार भी घर के अंदर जाकर वहां से चीजों को दिखाते हैं। इतने दिनों के बाद फॉरेंसिक एक्सपर्ट की जो टीम वहां पर पहुंची हुई है सीबीआई की टीम के साथ, क्या उनके सामने एक आम आदमी के जहन में यह सवाल आएगा कि क्या अभी भी वहां पर कुछ ऐसे सबूत होंगे जो बाकी होंगे, जो जो लग रहा है कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम हासिल कर पाएगी सीबीआई की टीम के साथ? नहीं, ये मेरे को तो लगता है मुश्किल है इतने दिनों के बाद की बहुत कोई इंपॉर्टेंट एविडेंस मिलना, बट क्राइम सीन ये रिक्रिएट कर सकते हैं कि बॉडी किस पोजिशन में थी, कौन कौन गए उस समय, किन्होंने क्या देखा और बॉडी कैसे टंगी थी, पलंग कहाँ था, हैंगिंग पॉसिबल थी या नहीं थी, तो ये सब बातें वो रिक्रिएट करेंगे, वो पूरी क्राइम सीन को रिक्रिएट करेंगे। बट कि एक्चुअल एविडेंस वहाँ मिलना, अभी वो हो सकता है कभी कभी मिल जाता है, कभी कभी आपको डीएनए किसी का मिल जाए कहीं, या फिंगरप्रिंट कहीं मिल जाए, तो बट वो डाउटफुल है, वो काफी डाउटफुल है अभी इस स्टेज। एक और महत्वपूर्ण सवाल है, कहा जा रहा है कि छत जो थी वो टोटल 10 फीट की थी, 5 फुट 10 इंच जो सुशांत सिंह राजपूत की हाइट बताई जा रही है, यानी कि 6 फुट के आसपास हम मान लेते हैं, फिर वहीं आपको लग रहा है कि 10 फीट और जो बेड की ऊंचाई थी वो 2 फुट के आसपास बताई जा रही है, तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं कि क्या सुशांत, और जब वहां पे कोई टेबल भी नहीं हो, कोई चेयर भी नहीं हो, बिना इसके सुशांत हैंग कैसे कर गए, ये भी सवाल तो परिवार की ओर से बार बार उठाए जा रहे थे। तो यही मैं बोल रहा हूँ, फोरेंसिक एक्सपर्ट इसी को क्लियर कर देंगे, वो रिक्रिएट सीन क्रिएट करके एक डमी बॉडी बनाएंगे उसी हाइट की उसी वेट की, और उसको टांग के देखेंगे कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। तो ये सब जो एक्सपर्ट्स हैं ये उनका काम है और वो ही करेंगे। सर एक और सवाल आपसे मैं जानना चाहती हूँ, चूंकि जो जांच का जिम्मा सीबीआई के कंधे पर सौंपा गया है, मैं रिसर्च कर रही थी, तो किसी भी इस तरह के मामले में सीबीआई फाइनल नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है, बहुत सारे ऐसे मामलों को देखा गया जिसमें खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला, या किस तरह के चैलेंजेस आप देख रहे हैं सीबीआई की टीम के सामने एक पूर्व डायरेक्टर होने के नाते, क्योंकि आप लोगों के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती होती है, एक तरफ मुंबई पुलिस है जिससे आपको एविडेंस लेने हैं लेकिन मुंबई पुलिस सवालों के घेरे में है, बिहार पुलिस जिसने जाकर मुंबई में जांच पड़ताल करने की कोशिश की गई थी लेकिन मुंबई पुलिस ने उसको बिल्कुल भी सहयोग नहीं दिया, तो सीबीआई के सामने किस तरह की बड़ी चुनौतियां आप इस वक्त देख रहे हैं मुंबई में? नहीं चुना, ये यदि ये सुसाइड है और आपको इसमें देखना है कि कोई अबेटमेंट टू सुसाइड, मतलब किसी ने इसको सुसाइड करने के लिए प्रेशराइज करा या उसको अबेट करा, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मामला होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस इसमें बड़ी क्लियर है, बोलते हैं अबेटमेंट के लिए इमीडिएट प्रोवोकेशन होना चाहिए, तो जो लोग जो घर में थे उस समय, जो आई विटनेसेस हैं,
वो ही बता सकते हैं कि क्या प्रोवोकेशन था कि इसने जाके अपने आप को ये हैंग कर दिया. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो तो आई विटनेस के इसके एग्जामिनेशन से होएगा, इसके टेलीफोन कॉल्स, ये कितने कॉल्स कर रहा था उस समय, किस किस से इसने बात करी बिल्कुल, है बिल्कुल. तो उससे बहुत बातें क्लियर होंगी. सब बहुत शुक्रिया, जरूर चुनौती होगी. बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका आज तक से जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए. इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं, आपको बता दें फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम के साथ सीबीआई के आला अधिकारी, जिनकी संख्या 28 से 30 है, सुशांत के घर के भीतर मौजूद है और लगातार जांच पड़ताल की जा रही है. और इस वक्त की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, सुशांत के घर में क्राइम सीन का रिक्रिएशन करेगी सीबीआई. 2 दर्जन फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम मौजूद है, 6 से 8 सीबीआई अधिकारी क्राइम सीन को रिक्रिएट कर रहे हैं. सिद्धार्थ जो कि दोस्त सुशांत का और नीरज जो कि कुक, वो दोनों भी सीबीआई की टीम के साथ मौजूद हैं. 6 से 8 सीबीआई अधिकारी क्राइम सीन को रिक्रिएट करेंगे. इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी यही निकलकर सामने आई है. आपको बता दें कि सीबीआई के सामने चुनौती बड़ी है. परिवार की ओर से जो आशंका जाहिर की गई है, क्या वो सच है, हत्या या फिर आत्महत्या, आज जो सबसे बड़ा सवाल है, इन्हीं 2 शब्दों के इर्द गिर्द सीबीआई की टीम की ये पूरी की पूरी जांच पड़ताल इस वक्त चल रही है. और ये सुशांत के घर की छत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीबीआई की टीम फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ पहुंची. आपको बता दें टॉप टेरिस पर खड़े होकर बकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है. और इसके साथ ही सुशांत के कमरे से, चूंकि हत्या की आशंका भी जाहिर की गई है, सुशांत के कमरे से क्या कोई हत्या करने के बाद भाग सकता है अगर दरवाजा बंद हो बाहर से, तो ये तमाम वो सवाल है जिनकी तफ्तीश लगातार जारी है. और इसी पर बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं. एक बार फिर से आपका रुक करते हुए डॉक्टर वीसी मिश्रा जी, चूंकि महत्वपूर्ण सवाल यह है, फॉरेंसिक की 2 दर्जन टीमें इस वक्त मौजूद हैं सुशांत के घर में, उनके सामने किस तरह की चुनौती, इतने दिन अब चूंकि मामले के गुजर चुके हैं, तो वहां पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट इस वक्त क्या कुछ कर रहे होंगे, सर विस्तार से जानकारी दीजिए इसके बारे में. देखिए, 2 महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद जो फॉरेंसिक की ट्रेस एविडेंसेज होती हैं, फिजिकल एविडेंसेज होती हैं, वो तो डिस्ट्रॉय हो चुकी होंगी. 1% या 2% चांसेस होंगे कि कोई शू प्रिंट या बेयर फुट प्रिंट या कोई फिंगरप्रिंट मिल जाए जहाँ पर एटमॉस्फेयर का इंपैक्ट कम हुआ हो, ह्यूमिडिटी कम हो, अदरवाइज फॉरेंसिक एविडेंसेस के मिलने के चांस हो इतने लंबे गैप के बाद बहुत ही ज्यादा मुश्किल है. अब जो महाराष्ट्र पुलिस ने या महाराष्ट्र और ये फॉरेंसिक टीम ने जो भी पहले उन्होंने एविडेंस ली होंगी उसी को ही जांच पड़ताल करने के बाद जो रिजल्ट आएंगे उसी से इस सीबीआई टीम को हेल्प मिलेगी. ऑटोप्सी रिपोर्ट के पढ़ने के बाद उसमें जो फैक्ट सामने आएंगे उसी से हेल्प मिलेगी. और सबसे ज्यादा हेल्प मिलने के चांसेस, जो हर दूसरे तीसरे दिन नई एक न्यूज आती है कि आज उसके सर्वेंट ने कहा, कुक ने ये कहा, तो नए नए स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उनका कोरोबरेटिव एविडेंस के रूप में जब प्रयोग किया जाएगा तब जाकर कुछ इसमें सीबीआई को जरूर मिलेगा. इसमें मुझे कोई शक नहीं है, जरूर मिलेगा. और इंडक्टिव रीजनिंग अभी चलेगी और फिर डिडक्टिव रीजनिंग चलेगी और तब ये क्राइम सीन का रिकंस्ट्रक्शन हो पाएगा. ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है. यहां पर जल्दी से मैं अपने दर्शकों को बता देती हूं, सीबीआई ने जिन चीजों को मुंबई पुलिस से अपने कब्जे में लिया है, सुशांत के 3 मोबाइल फोन, सुशांत का लैपटॉप, वो मग जिसमें सुशांत सिंह राजपूत ने जूस पिया था, सुशांत ने उस समय जो कपड़े पहने थे और फंदे के लिए इस्तेमाल में किए गए हरे रंग का कपड़ा, ऑटोप्सी और फॉरेंसिक रिपोर्ट भी सीबीआई को मिल चुकी है. सुशांत के घर और फार्म हाउस से बरामद डायरी भी ली गई है. और इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज जो कि 13 और 14 जून की थी, इन तमाम बातों के नजर अपनी तफ्तीश को लगातार सीबीआई की टीम आगे बढ़ा रही है. अब इसी सवाल के साथ विक्रम सिंह जी, मैं आपके पास आते हुए, चूंकि मुंबई पुलिस सवालों के घेरे में रही इस पूरे मामले पर और बिहार पुलिस को मुंबई में जाकर जो टीम गई थी उसने बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया, ऐसे में अब जबकि सीबीआई की टीम वहां पर इन्वेस्टिगेट कर रही है, बड़ी चुनौतियां किस तरह की आप देख रहे हैं, और इस समय इन लोगों के सामने पहले वो कौन से मामले होंगे जिनको सुलझा लेने की चुनौती इस वक्त होगी? क्या आपको यह भी लग रहा है कि आज रात तक यह स्पष्ट हो जाएगा कि हत्या या फिर आत्महत्या ये मामला दरअसल है क्या? श्वेता जी, बहुत गंभीर चुनौतियां हैं, क्योंकि 14 जून के बाद आज लगभग 60 दिन से ऊपर के अंतराल में साक्ष्य कितना कॉम्प्रोमाइज हो चुका होगा ये विचारणीय है. और इन परिस्थितियों में उस साक्ष्य संकलन में जो प्रयास कर रहे हैं, ये संतोष का विषय है कि 24 विशेषज्ञों का दल साजो सामान के साथ, उपकरण और ऑपरेटर्स के साथ सुशांत सिंह राजपूत के घर पर जाकर के फॉरेंसिक और अन्य साक्ष्य का संकलन कर रहा है. ये भी संतोष का विषय है कि मुंबई पुलिस से उन्होंने लैपटॉप और अन्य महत्वपूर्ण
और क्रिटिकल चीजें प्राप्त कर ली हैं जिनका अनुसंधान जारी है, लेकिन ये सोचना कि रात तक ये स्पष्ट हो जाएगा कि हत्या थी आत्महत्या है, वो शायद अत्यधिक ऑप्टिमिज्म होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी होगा, लेकिन आज रात तक होने की इतनी पेचीदगी के बाद शायद वो संभव ना हो पाए, क्योंकि जिस तरीके के साक्ष्य आपके पास आए हैं कम से कम 3-4 दिन और एक हफ्ता भी लग सकता है इस निष्कर्ष पे पहुंचने में। एपी सिंह साहब ने भी ये बात स्पष्ट की थी और उसके बारे में कोई निर्णय जल्दबाजी में न लें, क्योंकि अत्यधिक विलंब मुंबई पुलिस ने किया था और उनके द्वारा जो साक्ष्य हुआ था, पोस्टमार्टम हुआ था, पोस्टमार्टम पे प्रश्न चिन्ह लगा है, मॉर्चुरी में जो लोग गए थे उस पर प्रश्न चिन्ह लगा है, सुशांत सिंह राजपूत के घर में जिस तरीके से खुला प्रवेश बिल्कुल था और जिस तरीके के बाद आरोप है, उनका सत्यापन करने में और निष्कर्ष तक पहुंचने में जरूर कुछ न कुछ समय लगेगा। चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन मुझे कम से कम कोई शंका संदेह नहीं है कि सीबीआई तह तक अवश्य पहुंच जाएगी और बहुत जल्द पहुंचेगी, और देश को इस बात का इंतजार भी है, क्योंकि इस पूरे मामले में हम सब ने देखा है कि कैसे पूरे देश का सेंटिमेंट, भावनाएं इस पूरे केस से जुड़ी हुई हैं, और सीबीआई भी समझती है कि जब देश की भावनाएं किसी एक मामले से जुड़ जाएं तो फिर उसकी तफ्तीश को किस तरह से करना है और जांच के जरिए दूध का दूध और पानी का पानी करना होगा। लेकिन यहां पर अब मैं सीधे धनराज बंजारी जी आपका रुख कर लूती हूं, आप फॉर्मर एसीपी हैं मुंबई से, आप हमारे साथ मौजूद हैं। मुंबई पुलिस सवालों के घेरे में है, हालांकि उसने जो तफ्तीश अपनी आगे बढ़ाई है उसके आधार पर भी सीबीआई को जितने भी सबूत इस पूरे मामले में हैं वो सौंपे गए हैं, जिसके बाद सीबीआई की जांच जारी है। किस तरह की चुनौती सीबीआई की टीम के सामने आप देख रहे हैं और मुंबई पुलिस के साथ कैसा तालमेल अब सीबीआई को स्थापित करना होगा ताकि वो पूरे मामले पर तह तक जाए, क्योंकि बिहार पुलिस से तो राज्यों के आपस की ये कह सकते हैं ईगो प्रॉब्लम की वजह से सहयोग नहीं किया मुंबई पुलिस ने, लेकिन अब चूंकि मामला सीबीआई का है और जांच के आदेश सीधे सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए हैं सीबीआई को, तो अब तो मुंबई पुलिस को हर हाल में पूरा सहयोग 100% का सहयोग करना होगा। मुंबई पुलिस को सीबीआई को पूरी तरह सहयोग करना होगा और मुंबई पुलिस जरूर करेगी। ये बात जो है, ये पूरा मामला, इसकी जड़ अगर देखी जाए तो मुंबई पुलिस ने की हुई तफ्तीश के ऊपर जो सवाल या निशान पैदा हुए हैं, उस सवाल या निशान को मिटाने की सबसे पहले कोशिश की जाएगी। आज का जो ये मौका या हालात का पुनर्गठन, जिसको हम रिक्रिएशन ऑफ सीन कह रहे हैं, ये होगा, ये होने के बाद में जो ऑब्जर्वेशंस हो गए, उससे एक्सपर्ट्स के ऑब्जर्वेशन हो गए, फोरेंसिक एक्सपर्ट भी वहां पे मौजूद हैं, ये ऑब्जर्वेशन से दो चीजें कर सकते हैं। एक तो मुंबई पुलिस की तफ्तीश की जो रिकॉर्ड है वो कॉन्ट्रेडिक्ट होगी या कोराबोरेट होगी। अगर कॉन्ट्रेडिक्ट होती है तो सीबीआई को एक नए डायमेंशंस इन्वेस्टिगेशन के प्राप्त हो जाएंगे, और कोराबोरेट होती है तो जो डायमेंशंस में मुंबई पुलिस ने तपास किया है, मुंबई पुलिस का इन्वेस्टिगेशन हुआ है, वो उन लोगों को जो विटनेसेस है या जो टेक्नोलॉजिकल एविडेंसेस है उसको पुनर्निर्धारण किया जाएगा, रीवेरिफिकेशन किया जाएगा। ये जो रिक्रिएशन ऑफ सीन है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल एक्सरसाइज इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड इट्स वेरी रेयरली हैपन्स। आई रिमेम्बर जब मनमोहन देसाई बड़े फेमस डायरेक्टर हुआ करते थे एक जमाने के, एक फेमस अभिनेत्री नंदा, और वो जो मामला था, आई वॉज द ऑफिसर इन्वॉल्व इन दैट इन्वेस्टिगेशन, उनकी खुदकुशी में हमने ये रिक्रिएशन सीन क्रिएट किया था। उसी प्रकार की बॉडी और उसी वेट की 3 माले से जंप लेता है, उसमें सवाल ये था कि अगर खुदकुशी करने वाला जंप लेता है तो पांव की हड्डियां किस प्रकार फ्रैक्चर हो सकती है, या उसको उन हालातों में कोई ढकेल दे तो किस प्रकार की इंजुरीज बदन में आ सकती है। बेसिकली सीन को रिक्रिएट करना ये इस बात का निर्धारण करना है कि जो हालात पहले से दर्ज है क्या वो सही है या गलत है। अगर वो सही हो गए तो कोराबोरेट, अगर गलत हो गए तो कॉन्ट्रेडिक्ट हो जाएगा, और फिर उस कॉन्ट्रेडिक्शन का जवाब मुंबई पुलिस के जो भी मौजूद अफसर हो गए। क्या इस वक्त सीबीआई की जो टीम अंदर मौजूद है उसके साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट की भी टीम है और कहा जा रहा है मुंबई पुलिस के भी कुछ अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं, तो इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए जो पुलिस की टीम पहुंची हुई थी सबसे पहले मौका है वारदात पर, आपको लग रहा है कि क्या आज वो भी इस टीम में शामिल होगी और उससे भी मौके पर सीबीआई के अधिकारी कुछ पूछताछ करके जानकारी ले रहे होंगे?
नहीं, मेरी मालूमात के हिसाब से वो ऑफिसर नहीं है जो पहले के इसमें इन्वॉल्व थे, ये हाँ टोटली दूसरी टीम है। और ये जहाँ तक कि पुनर्निर्धारण हालातों का हो रहा है तो उसमें उसी टीम का होना मैं नहीं समझता कि सही है। एक प्रकार की क्लैरिटी और लीगल उसके कॉम्प्लिकेशंस देखे जाए तो आज सीबीआई के साथ में जो टीम है वो टीम नहीं है जो पहले थी, वो अलग टीम है। और ये निष्पक्षता से ये सारी बातों को देखा जा रहा है। ये महत्वपूर्ण है। मैं सीधे सुरेंद्र चौहान जी का रुख कर लेती हूँ। सुरेंद्र चौहान जी, अब तो सीबीआई पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है और जिस तरह से ताबड़तोड़ इस पूरे मामले में एक्शन सीबीआई का जारी है, उम्मीद यही कि दूध का दूध हो और पानी का पानी आ जाए। सबसे बड़ी भूमिका लेकिन यहां पर रिया चक्रवर्ती को लेकर है, परिवार के गंभीर आरोप, और रिया चक्रवर्ती ने उस तरह का सहयोग भी नहीं किया था जो दूसरी टीम पहुंची थी। उम्मीद यही कि कम से कम सीबीआई को लेकर अब तमाम वो चीजें, वो नखरे, उस तरह के सवाल जवाब देखने को नहीं मिलेंगे। देखो, मैं आपकी नखरे वाली बात पर तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि रिया चक्रवर्ती है जो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंची है पटना में एफआईआर होने के बाद, कि या तो इस एफआईआर को मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया जाए या सीबीआई को दे दिया जाए। तो ऐसी सूरत में उसकी कोई नखरे नहीं है, वो उसका कानूनी हक था और उसने उसको एक्सरसाइज किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको मान्यता देकर उसको डिस्पोज ऑफ किया पटिशन को, तो उसके नखरे नहीं है। दूसरी बात है, रिया चक्रवर्ती ने कॉपरेट किया इन्वेस्टिगेशन को या नहीं किया, आज तक की जो भी प्राइम एफिसाई स्टेटमेंट्स 174 के थ्रू जो 56 स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई हैं और जो ईडी के सामने भी वो पेश हो रही हैं, तो चीख चीख के बतला रहा है कि वो कॉपरेट कर रही हैं इन्वेस्टिगेशन को। और आने वाले समय में सीबीआई के सामने दूध का दूध पानी का पानी जैसे आपने बोला है वो सामने हो जाएगा। रिया चक्रवर्ती अगर इसमें कल्प्रिट हैं तो कोई भी नहीं बचा सकता, और अगर वो इनोसेंट है तो सामने आ जाएगा। ये बात तो आपकी सच है, लेकिन सवाल यह भी है ना कि परिवार की ओर से एफआईआर में जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं, दरअसल सीबीआई की ये जो इन्वेस्टिगेशन जारी है वो उसी एफआईआर के आधार पर आगे बढ़ रहा है। अगर अगर गंभीर अगर चित्रा जी अगर आरोप नहीं लगे होते तो एफआईआर रजिस्टर्ड ही नहीं होती। तो जो भी आरोप लगाए हैं, क्या वो सच्चे हैं झूठे हैं, उसी के लिए तो इन्वेस्टिगेशन करना है। जैसे कि अभी एसीबी साहब ने बताया था, उन आरोपों की कॉरोबोरेटिव वैल्यू क्या है या आरोपों में कोई कंट्राडिक्शन है, उसी को तो इन्वेस्टिगेट करना है पुलिस ने। और क्या करना है आपके पास, पुलिस ने देखना है कि आत्महत्या है या ये आत्महत्या के लिए किसी को उकसाया है। हाँ, आत्महत्या के लिए, ये मैं जानकारी मैं थोड़ी बता सकता हूँ, ये तो सीबीआई वाले बताएंगे। आपके पास क्या कोई जानकारी है इससे जुड़ी हुई? हाँ, यस, उसके लिए मेरे पास कोई जानकारी नहीं है इसके जुड़ी हुई। मैं तो एक कानूनी रूप से आपको राय दे सकता हूँ और इन्वेस्टिगेशन में क्या हो सकता है उसके लिए बता सकता हूँ कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो भी इस केस के आईओ हैं वो अपने विवेक से निर्णय लेंगे कि उसको कब इन्वेस्टिगेशन के लिए कॉल करना है, उसके खिलाफ अगर कोई साक्ष्य है तो उनको अरेस्ट करना है, डिटेन करना है, ये उनका पहलू है। इसके लिए कोई भी उनको बाध्य नहीं कर सकता आईओ को कि आज रिया को अरेस्ट करें आप, नहीं। चूंकि रिया चक्रवर्ती पूरे मामले में सवालों के घेरे में इसलिए हैं क्योंकि एक तो परिवार की ओर से जो गंभीर आरोप उनके ऊपर लगाए गए, दूसरे जो बयान उनकी ओर से दिया गया वो आपस में कम से कम तालमेल उनके खुद के बयानों में नहीं है। 8 तारीख को जब उन्होंने सुशांत का घर छोड़ा था तो उनकी ओर से कुछ और बयान दिया गया कि उनकी बहन आ रही है, सुशांत ने कहा है तुम चली जाओ, उसके बाद इस तरह की जानकारी आती है और जो उनके व्हाट्सएप चैट निकलकर सामने आ रहे हैं कि वो खुद सुशांत का घर छोड़कर जा रही थी। इसी वजह से बहुत सारे ऐसे सवाल हैं रिया चक्रवर्ती को लेकर, खासतौर से जो सवालों के घेरे में हैं, और परिवार के साथ भी उनके उस तरह के रिश्ते आखिर क्यों नहीं रहे, जो इकलौता भाई अपनी 4 बहनों का आंखों का तारा था उसको उन्होंने अलग कर दिया, इस तरह के आरोप भी लगे हैं। मैं आऊंगी इन सवालों के साथ, लेकिन एक बार फिर से अपने फॉरेंसिक एक्सपर्ट का रुख करते हुए, निशा मेनन, चूंकि फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम इस वक्त घर के भीतर ही मौजूद है और लगातार वो छत से लेकर चाहे टॉप फ्लोर पर जा रही है, उसके बाद जिस कमरे में सुशांत सिंह राजपूत थे वहां पर जाकर बाकी भी कमरों की लगातार जांच पड़ताल की जा रही है, इस वक्त क्या कुछ चल रहा होगा और कितना वक्त लग सकता है इसमें, क्या इस बारे में कुछ कुछ एक फॉर्मूला होता है, एक टाइप पैटर्न के इतने देर तक हम जाकर जांच पड़ताल करेंगे और उसके बाद खत्म कर लेंगे, या फिर घर के साइज के हिसाब से और वहां पर मौजूद साक्ष्यों के हिसाब से इस बारे में डिसीजन लेना पड़ता है? देखिए, बेसिकली क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन या क्राइम सीन का रिक्रिएशन में डिपेंड करता है कि साइट कितना बड़ा है, कितने कमरे हैं, जो इंसिडेंट हुआ है उसके आसपास का एरिया कितना बड़ा है, कितना टाइम लग सकता है, किस टाइप के एक्सपर्ट्स हैं वहाँ पे, इन टर्म्स ऑफ फिंगरप्रिंटिंग एक्सपर्ट है,
मेजरमेंट्स के लिए, डमी ट्रायल्स के लिए, और हो सकता है एक ही दिन में ये एंटायर प्रोसीजर खत्म भी ना हो, हो सकता है वापस से एक और दिन लग जाए विजिट के लिए, ताकि जो भी लूप होल्स है या जो भी चीजें हैं कोराबरेट करने के लिए कुछ मिस हो गए हैं, और या फिर एक फर्स्ट एक प्रिलिमिनरी स्टडी करने के बाद में ऐसा लगता है कि सेकेंड लेवल ऑफ जो रिक्रिएशन है उसको हमको फॉर्मलाइज करना है, तो इवन सेकेंड विजिट भी हो सकता है। तो इसमें हम एक बहुत ही पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक कोई फॉर्मूला नहीं होता है जिससे कि हम बता सकते हैं कि इतने घंटे में हो जाना चाहिए। इट मे टेक, एक दिन भी लग सकता है, पूरे दिन में भी हो सकता है, 7-8 घंटे में भी हो सकता है, इवन नेक्स्ट एक रीविजिट भी हो सकता है पूरे टीम का। ये महत्वपूर्ण बातें आपने कही है। अब सवाल यह है कि क्या एक बार रिक्रिएट किया जाएगा या फिर उसको बार बार, चूंकि एक डमी के साथ भी सीबीआई की टीम वहां पर पहुंची हुई है, पूरे मामले को रिक्रिएट करेगी मौका वारदात को, तो इस बारे में भी जानकारी लेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है सीबीआई की जो एक भारी भरकम एक बहुत बड़ी टीम मौके पर पहुंची हुई है, और उसको भी ये एहसास है कि मामला चूंकि इतना ज्यादा हाई प्रोफाइल, और न सिर्फ हाई प्रोफाइल बल्कि पूरे देश का सेंटिमेंट इससे जुड़ा हुआ है, ऐसे में जब रिक्रिएशन किया जा रहा होगा, आपको इस बारे में और जानकारी होगी। मैं चाहूंगी कि किन किन बातों का उस वक्त ध्यान रखा जाता है, रिक्रिएशन क्या एक ही बार में खत्म हो जाता है या फिर एक बार फेल होने पर या कुछ ऐसी कमियां रह जाती हैं जिसको बार बार दोहराया जाता है, मैं चाहूंगी इसके बारे में आप विस्तार से बताएं। विक्रम सिंह जी, जी देखिए ये रिपीटेड प्रोसेस होती है फैब्रिक के साथ, बॉडी वेट के साथ और ऊंचाई के साथ। आपने खुद कहा था कि 5'10" अगर हाइट है और ये हरा कुर्ता इस प्रकार का इसके फैब्रिक के साथ, तो ट्रायल एंड एरर 5 किलो ज्यादा उसी बॉडी वेट और 5 किलो कम, और उसमें देखा जाता है कि ट्रैजेक्टरी कैसी बनती है। ट्रैजेक्टरी मतलब बॉडी किस प्रकार और किस कोण से गिरती है, और इसको ट्रायल एंड एरर से कम 10-15 बार डमी ट्रायल होता है, और उसके बाद उसकी वीडियोग्राफी होती है, स्लो मोशन में स्टडी किया जाता है। इन तमाम अध्ययन के उपरांत विशेषज्ञ अपना अभिमत देते हैं कि क्या यह संभव था या संभव नहीं था। संभव था तो क्या इससे जो तथा कथित जो मौत होती है, अगर इस कारण से कि जो फांसी लगा के खुद करता है तो उससे मौत होने की पर्याप्त परिस्थितियां थी या नहीं थी, और एक विशेषज्ञों का मूल्यांकन सामने आपके आ जाता है। तो ये एकदम से अकस्मात नहीं, इसमें कई बार के ट्रायल होते हैं, उसकी वीडियोग्राफी होती है, विशेषज्ञों का अभिमत, और फिर उसके बाद चिंतन मंथन के उपरांत एक निष्कर्ष निकाला जाता है। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है कि इसके बाद चिंतन मंथन का भी एक दौर चलता है और उसके बाद आखिरी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। डॉक्टर वीसी मिश्रा, एक बार आपका रुख करते हुए, टीम जो भीतर मौजूद है इस वक्त वो क्या कर रही होगी, क्योंकि तकरीबन 2:30 बजे ये टीम पहुंची थी, इस वक्त 4:45 से ज्यादा का वक्त हो चुका है, इस दौरान क्या क्या कुछ किया गया होगा सर, इसके बारे में अगर आप बता पाए। देखिए मेरा ऐसा अनुमान है कि जब पहले मुंबई पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की थी और क्राइम सीन वगैरह का फोटोग्राफी की थी और एक रफ स्केच भी बनाया हुआ क्राइम सीन का फोटोग्राफ भी लिए होंगे, तो शायद मेजरमेंट्स को भी वो रिपीट कर सकते हैं जो रफ स्केच में बनाया गया है, उसको पुराने रफ स्केच के बाद में नया वाला भी रफ स्केच बना रहे होंगे, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि रफ स्केच बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और फोटोग्राफ लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिस्टेंसेस की इसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू है, हाइट की बहुत वैल्यू है, क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ में इन चीज़ों को बिल्कुल एक्यूरेसी से दिखाना बहुत ही आवश्यक है, तो शायद यही सब वो रिपीट कर रहे होंगे और डबल कंफर्मेशन के लिए ये किया जा रहा होगा। डबल कंफर्मेशन भी वहां पर किया जा रहा होगा। धनराज बंजारी जी, मैं आपसे टिप्पणी चाहूंगी सर इस पूरे मामले पर। जैसा मैंने कहा चित्रा जी के, इसके अंदर जो बेसिक थ्योरी मुंबई पुलिस की जो चली सुप्रीम कोर्ट तक वो थी सुसाइड की, और उनके पास उसके लिए टॉक्सिकोलॉजिस्ट है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स है, इसके सारे रिपोर्ट्स थे जो उन्होंने अपने एफिडेविट में अपने दलील में सुप्रीम कोर्ट में पेश करे थे। अब ये जो FIR बिहार से बनी और केंद्र सरकार की तरफ से CBI को सौंपी गई इन्वेस्टिगेशन के लिए, उस FIR में मर्डर की थ्योरी का जिक्र है। अगर ये मर्डर की थ्योरी होती है तो सुसाइड की थ्योरी वाइप्ड आउट होनी चाहिए, मगर सुसाइड की थ्योरी उसी वक्त वाइप्ड आउट होगी जब मुंबई पुलिस के मौजूदा रिकॉर्ड उनके दस्तावेजों में कॉन्ट्राडिक्शन पाया जाएगा। सिर्फ कॉन्ट्राडिक्शन पाने से नहीं होगा, उस कॉन्ट्राडिक्शन के तहत उसको ट्रैक करके फर्दर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, तब जाकर ये मर्डर की थ्योरी वहाँ पर तुक पाएगी। अब इसमें मामला ये है कि आज जो पुनर्निर्धारण मौका हालातों का किया जा रहा है,
उसका मेन मकसद ये है कि बंबई पुलिस के पास में जो रिकॉर्ड है, क्या इसी प्रकार से ये चीज़ें हुई है? जैसे बॉडी वेट को पकड़कर कितने बॉडी वेट पे सर्वाइकल वर्टिब्रा टूट सकती है नेक में फंदा लेने से, वो जो लिगेचर मार्क है नेक के ऊपर, क्या इसी प्रकार के लिगेचर मार्क हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? ये सारी चीजों का निर्धारण, इसको निहायत समय लगेगा। चित्रा जी बार बार पूछ रही है कि ये कितने समय में, इसको बहुत समय लगेगा। हो सकता है ये 2 बार 3 बार 4 बार हो सके, और वो सारे ऑब्जर्वेशंस लेने के बाद में पूरे एक्सपर्टों के बीच उस ऑब्जर्वेशन पे एक निर्धारण किया जाएगा, और वो निर्धारण जाके एक कोर्ट में, मतलब एक एविडेंस के तहत प्राप्त वैल्यू उसको हो सकती है। अब हमें इंतजार भी है कि इस पूरे मामले में किस तरह से जांच आगे बढ़ेगी और क्या जानकारी निकलकर सामने आती है। बहुत शुक्रिया विक्रम सिंह जी आपका, सुरेंद्र चौहान जी आपका, धनराज बंजारी जी आपका भी, डॉक्टर वीसी मिश्रा आपका और निशा मेनन आपका आज तक से जुड़ने के लिए, और ये महत्वपूर्ण जानकारी इस बेहद संवेदनशील और ऐसे मुद्दे पर जिस पर देश की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, इस पर हमारे दर्शकों को देने के लिए।